Hi guys, today's topic is 5 interesting facts about entropy. Entropy अपने आप में एक interesting topic है. That's why मैंने इस पे एक video tutorial बनाया. आज हम इसके अंदर इसके जो interesting fact है उनके बारे में बात करेंगे. जैसा मैं एक आपके सामने discuss कर लेता हूँ. जैसे कि real life में entropy होती क्या है. सब लोग बोलते हैं कि entropy बढ़ने से entropy बढ़ती है. तो ठीक है, entropy बढ़ने से होता क्या है, क्या चीज होती है एंट्रोपी बढ़ने से, तो वो मैं आपको बताऊंगा. और ऐसे ही उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम यहां आज बात करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. कुछ एब्रीवेशन से जो है यूज होंगी वो मैंने आपके सामने लिख ली हैं. ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं. सबसे पहले एंट्रोपी को क्या बोला जाता है. एंट्रोपी को बोला जाता है कि इट इज अ एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ of randomness of the molecules, randomness of the molecules. ठीक है, और randomness की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं, randomness को अगर बोल सकते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, this is the disorders. Disorders भी बोल सकते हैं कि molecules क्या है, disorder है. अगर disorderness अगर बढ़ जाती है, randomness अगर दोस्तों बढ़ जाती है, increase का symbol है ये, हो जाती है, तो उससे क्या हो जाती है कि हम बोल देते हैं कि जो entropy है दोस्तों वो हमारी क्या कर जाएगी, entropy increase कर जाएगी. और जैसे ही मैंने previous lecture पढ़ा कि physical meaning of entropy अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके आए आप दे सकते हैं. entropy अगर increase करती है तो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या कर देती है, increase unavailable energy को increase कर देती है. that means अगर मैं इसको short term में बोलूँ कि available energy क्या कर जाती है, decrease कर जाती है. available energy क्या होती है कि वो work होता है जो हम work output में हमें मिलता है, यानी work हमारा दोस्तों क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और दूसरे टर्म में अगर मैं बोलता हूं कि अवेलेबल एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई और अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो गई, दैट मींस हम बोल देते हैं कि क्वालिटी जो होती है वो क्या कर जाती है, सॉरी, क्वालिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, अगर क्वालिटी दोस्तों डिक्रीज कर गई तो मैं बोल सकता हूं किसी भी, जैसे कोई एप्पल है, एप्पल आधा खराब हो गया तो उसकी क्वालिटी घट गई. अगर वो उसकी क्वालिटी घट गई दैट मींस अगर वो खाएंगे तो उससे कम अवेलेबल एनर्जी मिलेगी, और जो कम अवेलेबल एनर्जी अगर उससे मिलेगी तो हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, कम एफिशिएंट होगा. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर क्वालिटी दोस्तों अगर डिक्रीज कर गई, तो क्वालिटी अगर डिक्रीज कर जाती है दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगी दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगी. तो यहां से क्या पता चला कि रियल लाइफ में एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी जो है क्वालिटी को डिक्रीज करती है और एफिशिएंसी को क्या कर देती है दोस्तों, डिक्रीज कर देती है. तो और आगे चलते हैं, जैसे सेकंड फैक्ट अगर बात करते हैं कि एंट्रोपी, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एंट्रोपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है या नहीं, तो देखेंगे. आपने अगर ये मेरा वीडियो, मैंने ऐसे कोई एग्जांपल बना के आपको समझाया है तो आप ये जाके प्रीवियस में देख सकते हैं. वहां हमने प्रूव करा था कि ds = dq / t मस्ट बी ए प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी. तो एंट्रोपी क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है. और प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास और डज नॉट डिपेंड अपॉन पास मास. तो अब यहां देखिएगा कि मतलब ये क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल. अगर दोस्तों मैं बोल देता हूं मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज करते हैं तो रैंडमनेस जो है वो दोस्तों क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा. तो जो इनका मास वो क्या कर जाएगा दोस्तों, इंक्रीज कर जाएगा. दैट मींस डिपेंड कर रही है मास से. तो हम ये बोल देते हैं जो एंट्रोपी है दोस्तों हमारी वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. चलो अब मैं आपके सामने तीसरा फैक्ट लेके आता हूं. तो हमारे सामने तीसरा फैक्ट जो है, एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है. तो दोस्तों प्रॉपर्टी है तो ये पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है. जैसा हम जानते हैं ऑल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन स्टेट पॉइंट्स. जो मैंने आपको दिखा रखे हैं दोस्तों, ये जो 1 और 2 दीज आर द स्टेट पॉइंट्स. तो इसका मतलब एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, दैट मींस ये क्या हो जाएगी दोस्तों, पॉइंट पे डिपेंड कर रही, तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट फंक्शन हो जाएगी. चौथा अगर देखते हैं, एंट्रोपी अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों पॉइंट फंक्शन जितने भी हैं दीज आर एग्जैक्टली
डिफरेंशियल. दैट मीन्स एग्जैक्टली डिफरेंशियल का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ds इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1, ये हम आराम से लिखते हैं और ये हम सॉल्व भी करके आए हैं. दैट मीन्स एंट्रोपी दोस्तों क्या हो जाएगी यहां से, एंट्रोपी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. अब आगे चलते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, आपको देखते हैं. जैसे आपने हम इसको हम ट्रू और फॉल्स के रूप में इसको पढ़ेंगे, तो आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक और एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबली एडियाबेटिक. इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा. आप सिर्फ यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में भी एक टर्म आ रखी है एडियाबेटिक और नीचे वाले में भी एक टर्म आ रखी है एडियाबेटिक. दैट मींस एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू जीरो. तो मैं आपको समझाता हूं पहले फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ds इज इक्वल्स टू dq बाय 2, इरिवर्सिबल के लिए ds इज इक्वल्स टू dq बाय t प्लस डेल्टा s जनरेशन. ठीक है, अगर दोस्तों एडियाबेटिक है ये प्रोसेस तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो बाय टी. तो यहां से क्या हो गया, ds इज इक्वल टू जीरो. जैसे ही दो स्टेट पॉइंट्स के बीच में से निकालते हैं तो जीरो, तो s2 माइनस s21 इज इक्वल टू s2, यहां से आपके सामने आ गया. दैट मींस यहां पे s क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. और जब एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, देयर इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है, अब देखिएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, अब यही चीज अगर मैं दोस्तों यहां करता हूं, तो अगर मैं यहां इसमें रखूं जीरो, और जैसा हम जानते हैं डेल्टा जनरेशन इस कैसा होता है, इस पॉजिटिव ऑलवेज. ठीक है, इट मे बी जीरो, जीरो अगर हो गया तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल. बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा कैसा होता है दोस्तों, ये जीरो होता है. तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. और इन दोनों को ऐड करोगे डीएस दोस्तों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अब मैं क्या करता हूं, जैसा हम जानते हैं कि अगर मैं हीट को रिजेक्ट करता हूं, अगर मैं हीट इज रिजेक्टेड हम बोलते हैं, तो डीक्यू क्या करती है, घटती है. डीक्यू हीट रिजेक्ट हो रही है तो कैसा साइन लेते हैं हम दोस्तों, नेगेटिव साइन लेते हैं. तो अगर मैं यहां पे लेता हूं, यहां पे इसको करता हूं, मेरा केस है हीट रिजेक्टेड वाला, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव. और ये दोस्तों कैसा आएगा, ये आएगा पॉजिटिव. ठीक है, अगर दोस्तों हीट को डिक्रीज किया और डेल्टा एन जनरेशन, सपोज दैट मेरे पास ये प्लस थ्री आ गया और ये माइनस थ्री आ गया, अगर इन दोनों को जब ये देखते हैं तो ये कट के हमारे पास यहां जो डीएस आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास यहां जो डीएस आ जाएगा वो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. अगर डीएस जीरो आ गया तो एस टू इज इक्वल्स टू एस वन हो गया. दैट मीन्स एंट्रोपी फिर से क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई. तो इस प्रोसेस को अभी हमें क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक. जैसा जानते हैं कि भाई अगर एंट्रोपी कॉन्स्टेंट एंड प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. लेकिन आप ये देखिएगा दोस्तों कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है बट दिस इज रिवर्सिबली एडियाबेटिक. नो सर, दिस इज इरिवर्सिबल बट दिस इज नॉट एडियाबेटिक, दिस इज हीट रिजेक्शन. तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों, आप बताइएगा, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक. तो आप देखिएगा सही है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सर ये आ जाएगा ट्रू. ठीक है, और अगर देखें एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज एडियाबेटिक, कहेंगे नहीं सर, आपके सामने आ रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और हीट रिजेक्टेड हो रही है, तो इट इज नॉट. तो हम ये लिख देंगे, दिस इज यहां लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये स्टेटमेंट नहीं है. आई होप सो गाइज, आपको वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज.